नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल कुशवाहा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे पंजाब नेशनल बैंक में मोबाइल बैंकिंग नेट बैंकिंग कैसे चालू कर सकते हैं। तो आज इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो पहले तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर चलते हैं। तो पहले गूगल में जाइए, गूगल में टाइप कीजिए PNB नेट बैंकिंग, उसके बाद सर्च कीजिए। तो देखिए थोड़ा ऊपर ले जाइए, देखिए इधर लिखा है PNB ई बैंकिंग, इस पर क्लिक कीजिए। तो देखिए आपके पास यूजर आईडी अभी नया बनाना है, तो देखिए यहाँ पर न्यू यूजर लिख रहा है, हम इसको जूम करके दिखा दिए, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए आपका अकाउंट नंबर यहाँ मांग रहा है, ठीक है। और देखिए आप अगर मैं मोबाइल बैंकिंग चलाना चाहते हैं या बस नेट बैंकिंग चलाना चाहते हैं या दोनों मोबाइल बैंकिंग नेट बैंकिंग, तो देखिए नीचे लिखा है मोबाइल बैंकिंग नेट बैंकिंग पर क्लिक कर दीजिए। तो हम दोनों चालू करने वाले हैं। उसके बाद अपना अकाउंट नंबर डाल लीजिए। चलिए हम अपना डाल लेते हैं। अकाउंट नंबर डालने के बाद देखिए इधर वेरीफाई लिखा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए ऐसा आएगा, व्यू ओनली आएगा, मतलब आप बस बैलेंस चेक कर सकते हैं। अब व्यू ऑन ट्रांजेक्शन, तो इस पर ट्रांजेक्शन पर क्लिक कर दीजिए। अभी देखिए आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा और इस पर OTP अपना डाल लीजिए। तो चलिए हमारा मोबाइल पर OTP आने वाला ही है, वेट कर लेते हैं। आपका मोबाइल नंबर अपने अकाउंट से जुड़ा रहना चाहिए तो ही OTP आएगा। अगर नहीं जुड़ा है तो आप ब्रांच में जाकर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करा लीजिए। तो देखिए हमारा OTP आ चुका है, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए फिर ऐसा एक पेज खुल के आएगा, तो ऊपर आपका डेबिट कार्ड नंबर, मतलब ATM कार्ड का ऊपर जो नंबर रहता है 15-16 नंबर का रहता है, वो डाल लीजिए, उसका ATM कार्ड का पिन डाल लीजिए। डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए हम अपने डाल के कंटिन्यू कर लेते हैं। तो देखिए अभी ये सब पेज खुल के चला आया है, तो देख रहे हैं। अब इसमें रिसीट पासपोर्ट, लॉगिन पासपोर्ट और ट्रांजैक्शन पासपोर्ट इसमें आपको डालना है। तो चलिए हम अपना डाल लेते हैं। वो पासपोर्ट ऐसा रहना चाहिए, दो छोटा लेटर, दो बड़ा लेटर और @.ऐसे ही रहना चाहिए। फिर आप कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए। चलिए हम अपना डाल लेते हैं। देख सकते हैं यह हमारा यूजर आईडी ऊपर मिल चुका है, तब इसको सेव कर लीजिए। तो देखिए हमने डाल लिया, उसके बाद एक डब्बा सा है, इस पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए। तो देखिए अभी हमारा सक्सेसफुल हो गया है, आप देख सकते हैं इधर आपको स्क्रीन पर पूरा जूम करके। देखिए हमारा सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन PNB मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग सर्विस, यूजर आईडी, ये हमारा यूजर आईडी, हमने इसको हाइड कर दिया है, तो आप देख सकते हैं। तो देखिए इसके बाजू में एक गो टू लॉगिन, इस पर क्लिक कीजिए। तो हमने अपना यूजर आईडी डाल लिया, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। तो देखिए फिर ऐसा आएगा, ऊपर आपका यूजर आईडी, इसमें अपना लॉगिन पासवर्ड जो वहाँ पर सेट किए थे, लॉगिन पासवर्ड ट्रांजेक्शन में डालिएगा, लॉगिन ही डालिएगा इसमें, क्योंकि लॉगिन होगा तभी ये खुलेगा। ट्रांजेक्शन कब डाला जाता है, जैसे अकाउंट ट्रांसफ़र करना है तभी डालिएगा तभी लॉगिन वाला पासवर्ड हम डाल लेते हैं। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए आप ये सब जितना आ रहा है इसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद देखिए अभी ऊपर इसको करते जाइए थोड़ा बहुत। उसके बाद देखिए इधर एग्री है, एग्री पर क्लिक कीजिए।
फिर आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, एग्री पर हम जैसे क्लिक किए वो हमारे मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा फिर, तो हम ओटीपी का वेट कर लेते हैं। ओटीपी डालने के बाद कंटिन्यू टू कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए, तो हम ओटीपी डाल के कंटिन्यू कर देते हैं अपना। तो जैसे अपना ओटीपी डाल लेते हैं उसके बाद जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, तो देखिए आपको 50 क्वेश्चन पूछता है। आप इस 50 क्वेश्चन में से आपको 7 आंसर देना है, और उसके से उसके बाद यहाँ पर क्लिक करते जाना है, इसके पीछे यहाँ आंसर देना है देखिए, ठीक है। तो चलिए हम अपना आंसर दे देते हैं, आंसर दे देते हैं। उसके बाद एक तो देखिए दोस्त ऐसे खुल के आ गया है, तो आप इसको सेट करना है कि आप क्या चित्र लगाना चाहते हैं। तो चलिए हम कोई भी चित्र इसमें लगा लेते हैं, जैसे कबूतर दिख रहे हैं, कबूतर पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद इधर सेट कर लीजिए, जो भी आपको सेट करना है जिसमें भी सेट करना है, और ऊपर आप क्या लगाना चाहते हैं देखिए, हम इसमें कुछ भी आप लगा सकते हैं, ऊपर नाम लिख लीजिए। एक मिनट देखिए, फिर से हम आपको दिखा देते हैं। वो हमको पसंद नहीं था, देखिए हम एक गिलास को लगा लेते हैं और ऊपर अपना गिलास लिख लीजिए। उसके बाद इधर देखिए अपडेट पर क्लिक कर दीजिए, देखिए हमारा इशू नहीं किया, गलत लिखे थे सॉरी। हाउस हाउस में देख लेते हैं, आप इसमें सेट कर लीजिए, उसके बाद आप अपडेट पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। सॉरी दोस्तों, देखिए इधर एक डब्बा है, उसके बाद आप इस पर अपडेट पर क्लिक कीजिए। तो देखिए हम डब्बा नहीं भर रहे थे, इसके लिए ऐसा आ रहा ना। तो देखिए अब हमारा ईमेल आईडी यहाँ मांग रहा है, हम अपना ईमेल आईडी दे देते हैं, सेव कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। फिर कनेक्ट टू लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए हमारा नेट बैंकिंग खुल चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी अभी हम आपको लॉगिन करना है, तो आपको वीडियो हम बनाए हैं। अगर मैं आपको पंजाब नेशनल बैंक का पासवर्ड भूल जाते हैं, रिसेट करना है, तो इसका सब हम लिंक इसी भी एथी में इसके नीचे डाल देंगे, तो आप लोग भी वहाँ से देख सकते हैं। तो हमारा वीडियो पसंद आया इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।